हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 17 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है, ये यूपी के सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, जैसे UPSC हो गया, RO, ARO है, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट है, और आपका आने वाला जो एग्ज़ाम है पैट का, और इसके साथ ही यूपी पुलिस है, SI है, यानी उत्तर प्रदेश के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को रेगुलर जरूर देखें। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम 2021 और 22 की जो इम्पोर्टेंट रैंकिंग है उसको जो है एक बार देखते हैं। तो पहला है भ्रष्टाचार धारा सूचकांक 2021। तो इसमें जो भारत है ये 85वें स्थान पर रहा और डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड ये संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022, तो 2022 की जो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट है इसमें भारत 136वें स्थान पर है और जो फिनलैंड है ये इसमें पहले स्थान पर है। अगली है IQ एयर की 2021 की रिपोर्ट, जिसमें बताया गया कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में जो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है वो कौन सी रही, तो दिल्ली रही, और सबसे प्रदूषित देश कौन सा रहा दुनिया का, तो ये है बांग्लादेश, और हमारा जो इंडिया है ये किस स्थान पर रहा, तो ध्यान रखेंगे आप ये जो है 5th पोजिशन पर बना है। अगली है सिप्री रिपोर्ट 2021, तो इसके अनुसार सर्वाधिक हथियार आयातक देश कौन सा है, तो ये है भारत, और सर्वाधिक हथियार निर्यातक देश कौन सा है, तो ये है अमेरिका। अगला है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021, तो इसके अनुसार जो दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर रहा वो कौन सा है, तो इस्तांबुल शहर, और दोस्तों ये किस देश में है, तो तुर्की का ये शहर है। अगली रिपोर्ट देखते हैं, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022, इसकी अगर बात की जाए तो भारत जो है 150वें स्थान पर है और नॉर्वे इसमें पहले स्थान पर है प्रेस की स्वतंत्रता में। अगली है वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 यानी हंगर इंडेक्स 2021, तो इसमें जो है भारत 101वें स्थान पर है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022, इसमें भारत 37वें स्थान पर है और डेनमार्क इसमें पहले स्थान पर है। और अभी जो है जारी की गई QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 रैंकिंग में सर्वोच्च शहर यानी छात्रों के रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा जो शहर है वो कौन सा है, तो वो है लंदन शहर। ठीक, तो ये रिपोर्ट हैं, कुछ इंडेक्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको याद रखना है। दोस्तों, यूपी लेखपाल के लिए अगर आपको ग्रामीण प्रवेश की ईबुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, यूपी लेखपाल की जो आपकी परीक्षा होने वाली थी 24 जुलाई को, तो अभी जो है इसे बढ़ा दिया है और अब ये जो परीक्षा है वो कब होगी, 31 जुलाई को आपकी परीक्षा कराई जाएगी। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश एथलेटिक्स एसोसिएशन की ओर से जारी जैवलिन प्रतियोगिताओं में कैलेंडर में अंडर 23 आयु वर्ग की महिला पुरुष जैवलिन प्रतियोगिता 7 अगस्त को कहां पर आयोजित कराई जाएगी, तो ये जो प्रतियोगिता है ये मेरठ में आयोजित होगी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले की ग्राम पंचायतों के सचिवालय कार्यालय पर गुड्डी गुड्डा बोर्ड लगवाए जाएंगे, तो हरदोई। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको PDF ईबुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इसके साथ ही अगर आपको लास्ट 6 मंथ यानी जिसमें हमने जनवरी 2022 से लेकर के जून 2022 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है विस्तार पूर्वक बताया है, तो इनमें से अगर आपको कोई भी PDF ईबुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप ईबुक को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना की वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की एक शाखा खोली जाएगी, तो अंतर्राष्ट्रीय पैकेजिंग संस्थान की। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक फोरम ने हाल ही में अपनी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी की है, इस रिपोर्ट में भारत कितने स्थान पर है, तो भारत जो है इसमें 135वें स्थान पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अवध कौशल का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेट कप्तान बैरी सिंक्लेयर का निधन हो गया, तो ये जो है किस देश के थे, तो ध्यान रखेंगे न्यूजीलैंड के। अगला क्वेश्चन है,
किसके द्वारा लिखित पुस्तक द मैकमोहन लाइन का हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने विमोचन किया? तो ये जो पुस्तक है द मैकमोहन लाइन, तो ये किसके द्वारा लिखित है? तो ध्यान रखेंगे जनरल जे जे सिंह के द्वारा ये लिखित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी आईआईटी कंपनी जो है ये 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी? कौन सी आईटी कंपनी है? ठीक है, ध्यान रखेंगे आईटी कंपनी, तो ये है इंफोसिस, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप मनामा जो कि बहरीन में है, तो यहाँ पर जो है आयोजित हुई थी, तो इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो कुल मिलाकर के 22 यानी कि 22 पदक जो है भारत ने जीते हैं। तो दोस्तों ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का लोकार्पण किया? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है जालौन में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। ठीक, कहाँ पर किया? जालौन में किया। कब किया? तो ध्यान रखेंगे कल यानी कि 16 जुलाई को। दोस्तों ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इसकी कितनी जो है लंबाई होगी? तो चित्रकूट से ये स्टार्ट होगा और चित्रकूट से लेकर के ये इटावा तक जाएगा और इसकी जो कुल लंबाई है वो 296 किलोमीटर होगी। ठीक है दोस्तों, ये जो एक्सप्रेसवे है ये उत्तर प्रदेश से कितने जिलों से होकर के गुजरेगा? तो ये जो है 7 जिलों से होकर के गुजरेगा। ठीक है, कौन कौन से जिले हैं? तो चित्रकूट हो गया, बांदा हो गया, महोबा हो गया, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा, ये जो जिले हैं 7, यहाँ से होकर के ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा। एक्सप्रेसवे से चित्रकूट से दिल्ली तक का जो सफ़र है अब वो केवल 6 से 7 घंटे में पूरा हो सकेगा। एक्सप्रेसवे से बुंदेलखंड का औद्योगिक और आर्थिक विकास का भी रास्ता खुलेगा। बांदा और जालौन में औद्योगिक कॉरिडोर बनाने पर सलाह लेने के लिए सरकार ने एक सलाहकार एजेंसी का गठन किया है। तो यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हाल ही में बनकर के तैयार हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो इसका लोकार्पण किया इन्होंने। ठीक है, इसका जो है उद्घाटन किया इन्होंने और कहाँ पर किया? तो ध्यान रखेंगे जालौन डिस्ट्रिक्ट में जो है उद्घाटन किया गया। अब दोस्तों यहाँ पर हम मैप में देखेंगे कि जो एक्सप्रेसवे है ये कहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है चित्रकूट, चित्रकूट जो जिला है यहाँ से ये स्टार्ट होगा और यहाँ से जाएगा बांदा, बांदा से होते हुए ये जाएगा महोबा, हमीरपुर, इसके बाद जालौन, इसके बाद औरैया और इसके बाद ये इटावा, इटावा में यहाँ पर पहुँच जाएगा और इसके बाद जो है ये किस एक्सप्रेसवे में जुड़ जाएगा, तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में ये जुड़ जाएगा। तो दोस्तों ये यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं कुल कितने जिले हो जाएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और कुल 7 जिलों से होकर के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे गुजरेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग के अनुसार ओवरऑल रैंकिंग में जो IIT कानपुर है ये किस स्थान पर रहा? तो IIT कानपुर जो है ये ओवरऑल 5वें स्थान पर रहा। दोस्तों केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है उन्होंने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF का फुल फॉर्म क्या है? तो ध्यान रखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये जो है हाल ही में 7वां संस्करण जारी किया गया NIRF का। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो IIT मद्रास है ये भारत में उच्च शिक्षा के लिए सबसे अच्छा संस्थान है और इसके बाद जो IISc बेंगलोर है ये आता है। और दोस्तों शिक्षा मंत्रालय के NIRF रैंकिंग शो का नवीनतम संस्करण ये जारी किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि हाल ही में जो NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क इसका 7वां संस्करण जारी किया गया। दोस्तों NIRF है क्या? तो दोस्तों हर साल केंद्रीय जो शिक्षा मंत्रालय है, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है इसके द्वारा रैंकिंग जारी की जाती है NIRF। ठीक है, और ये जो रैंकिंग है इसमें क्या होता है, तो इसमें भारत के शीर्ष विश्वविद्यालयों कॉलेजों की लिस्ट जो है जारी की जाती है। तो अभी जो ये 7वां संस्करण जारी किया गया है NIRF का, तो इसमें भारत का शीर्ष सबसे अच्छा जो संस्थान है वो कौन सा रहा? तो IIT जो मद्रास है ये जो है सबसे अच्छा जो संस्थान है वो माना गया है शिक्षा के लिए। दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो IISc बेंगलुरु। और अगर IIT कानपुर की बात की जाए जो कि हमारे प्रदेश का है, तो IIT कानपुर जो है इसे 5वां स्थान मिला और जो BHU है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इसे जो है 11वां स्थान मिला और लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को 75वां और मेडिकल यूनिवर्सिटी को 78वां स्थान जो है मिला है।
तो यहाँ से आप याद रखेंगे NIRF जो है इसका 7वां संस्करण जारी किया गया। इसमें भारत का जो सर्वोच्च शिक्षा के लिए अच्छा संस्थान है वो कौन सा है, तो IIT मद्रास है। और वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो IIT कानपुर जो है प्रदेश में शीर्ष पर है, जिसे ऑल इंडिया की अगर बात की जाए तो इसे 5वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यावरण पर्यटन राजधानी किस शहर में बनाई जाएगी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में। वाराणसी संघाई सहयोग संगठन SCO क्षेत्र का पहला शहर होगा जिसे SCO की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी का रोटेटिंग शीर्षक दिया जाएगा। SCO का फुल फॉर्म क्या है तो इसे भी याद रखेंगे, तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO का फुल फॉर्म है। सदस्य देशों के बीच, अब दोस्तों ये जो वाराणसी जो शहर है ये शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्र का ऐसा पहला शहर होगा जिसे SCO की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी जो है बनाया जाएगा। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य इसका ये है कि जो सदस्य देश हैं SCO के, तो इसके जो सदस्य देश हैं वहाँ पर जो है लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा दिया जाए और इसके साथ ही पर्यटन को जो है बढ़ावा दिया जाए, ये इसका उद्देश्य है। और दोस्तों जो वाराणसी है ये सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी का जो रोटेटिंग शीर्षक दिया गया ये 2022 और 23 के लिए दिया गया, यानी जो शंघाई सहयोग संगठन है इसकी सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनाया गया है वाराणसी को 2022-23 के लिए। तो ये बात यहाँ से ध्यान रखेंगे आप, कौन सा शहर है प्रदेश का, ये है वाराणसी। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। दोस्तों दिल्ली सरकार ने भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। अब ये जो पार्क है ये 21 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। वर्तमान में दोस्तों दिल्ली में हर साल 2 लाख टन ई कचरा पैदा होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है वो जो है 2 लाख टन पैदा होता है। ई कचरा इको पार्क में पुनर्चक्रण और पुनः निर्माण का कार्य सुरक्षित व वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा। यह पार्क जो है कहाँ पर होगा, तो बाहरी दिल्ली हुलम्बी कला में जो है करीब 21 एकड़ भूमि पर यह विकसित किया जाएगा। तो यहाँ से आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है, क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा कि भारत का पहला ई कचरा इको पार्क जो है ये कहाँ पर बनाया जाएगा, तो ये दिल्ली में बनाया जाएगा जो कि भारत का पहला ई कचरा इको पार्क होगा। और दोस्तों दिल्ली में कहाँ पर बनेगा, तो ध्यान रखेंगे बाहरी दिल्ली होलम्बी कला में जो है ये बनाया जाएगा कुल 21 एकड़ भूमि पर। अगला क्वेश्चन है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 किस देश में शुरू हुई। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका में। दोस्तों 2022 विश्व एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप है ये 15 जुलाई से स्टार्ट हुई है। कहाँ पर हुई है, तो ध्यान रखेंगे अमेरिका के ओरेगन राज्य के यूजीन शहर में ये शुरू हुई है। 2022 चैंपियनशिप 18 संस्करण है, यानी 2022 में जो चैंपियनशिप हो रही है 18वां संस्करण है, और US पहली बार इस आयोजन की मेजबानी कर रहा है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे कि जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप है इसकी मेजबानी जो अमेरिका है ये पहली बार कर रहा है। 10 दिवसीय भव्य खेल आयोजन में जो है 200 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 2000 एथलीटों की मेजबानी करेगा और 24 जुलाई तक ये जारी रहेगा। भारत के लिए ओलंपिक जो भाला चैंपियन है नीरज चोपड़ा ये देश की कमान संभालेंगे। तो दोस्तों यहाँ से आपको सारी बातें अच्छे से याद रखनी है कि 2022 का जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो अमेरिका के ओरेगन राज्य के यूजीन शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। ये जो है कब से इसका आयोजन शुरू हुआ, तो 15 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई तक ये जो चैंपियनशिप है ये जारी रहेगी। और दोस्तों 2022 में जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप है ये कौन सा संस्करण है, तो 18वां ये संस्करण है और अमेरिका में पहली बार जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये बातें आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा त्रिपुरा। दोस्तों त्रिपुरा सरकार ने, ध्यान रखेंगे त्रिपुरा सरकार ने COVID-19 के प्रकोप के बाद स्कूलों से जो लोग बाहर हो चुके हैं, जो छात्र बाहर हो चुके हैं उनको जो है वापस लाने के लिए अर्न विद लर्न नाम से एक योजना शुरू की है। यह योजना विद्यालय चलो अभियान यानी स्कूल चलते हैं का हिस्सा है। सरकार ने विद्यालय चलो अभियान को लागू करके 2020 में स्कूल छोड़ने वालों को वापस लाने का प्रयास किया, जो पहली बार 2009 में शुरू किया गया था।
लेकिन महामारी के कारण कोई प्रगति करने में असमर्थ था। महामारी के दौरान 6 से 14 आयु वर्ग के लगभग 9000 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया था। तो अभी जो है त्रिपुरा सरकार ने, आपको यहीं से क्या ध्यान रखना है कि अभी जो त्रिपुरा सरकार है उसने अर्न विद लर्न नाम से एक नई योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यह है कि कोविड-19 के समय में जो छात्र स्कूल से बाहर हो चुके हैं, जो छात्र जो है स्कूल छोड़ करके बाहर जा चुके हैं, तो उन्हें जो है क्या किया जाए, वापस विद्यालय में लाया जाए। तो ये इसका उद्देश्य है। अब दोस्तों इसके तहत क्या है, इसके तहत दोस्तों अगर कोई स्वयंसेवक एक छात्र को जो है उस स्कूल में वापस लाता है जो कि स्कूल छोड़ करके गया है, तो उसे जो है स्वयंसेवक को 500 रुपये दिए जाएंगे इस योजना के तहत। ठीक, तो सरकार का उद्देश्य यही है कि जो छात्र स्कूल से बाहर हो चुके हैं उन्हें पुनः फिर से जो है स्कूल में वापस लाया जाए, और इसके लिए शुरू किया गया है अर्न विथ लर्न नाम की योजना। किसने शुरू की है? तो ध्यान रखेंगे त्रिपुरा सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना कहां पर खोला? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई में। स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने चेन्नई में 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने वाली भारत की पहली फैक्ट्री का उद्घाटन किया। यह सुविधा 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगी और इसका इस्तेमाल अपने इन हाउस रॉकेट के लिए इंजन बनाने के लिए किया जाएगा। तो यहां से आप क्या ध्यान रखेंगे कि भारत की पहली फैक्ट्री 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने वाली जो है ये कहां पर इसका उद्घाटन किया गया है? तो ध्यान रखेंगे आप, चेन्नई में इसका उद्घाटन किया गया है, और ये इम्पोर्टेंट इसीलिए क्योंकि भारत की ये पहली 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने वाली फैक्ट्री है। ठीक है, उद्घाटन कहां पर हुआ? चेन्नई में हुआ। अब दोस्तों यहां से ध्यान रखेंगे कि किसने उद्घाटन किया, तो इसका जो अनावरण टाटा संस के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन और इसरो के जो अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, इन्होंने जो है INSPACE यानी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के अध्यक्ष पवन गोयनका की उपस्थिति में किया है इसका अनावरण। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि भारत की पहली 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने वाली पहली फैक्ट्री का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया गया? तो आप ध्यान रखेंगे चेन्नई में, और स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने जो है इसका उद्घाटन किया है। ठीक, तो ये बात यहाँ से आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने EFIR सेवा शुरू की है? तो EFIR जो सेवा है ये उत्तराखंड सरकार ने शुरू की है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने 15 जुलाई 2022 को उत्तराखंड पुलिस ऐप और EFIR सेवा शुरू की है। पुलिस ऐप राज्य पुलिस द्वारा प्रदान की जाने वाली 5 ऑनलाइन सेवाओं का एक एकीकृत संस्करण है। इस ऐप से इमरजेंसी नंबर 112 यानी कि 112 और साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 को भी जोड़ा गया है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, आपसे अगर पूछा जाता है कि EFIR सेवा शुरू करने वाला कौन सा राज्य जो है जिसने हाल ही में EFIR सेवा शुरू की है, तो आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड, और यहीं पर जो है उत्तराखंड ने एक उत्तराखंड पुलिस ऐप का भी शुभारंभ किया है। उत्तराखंड पुलिस ऐप और EFIR सेवा, तो दोनों ध्यान रखेंगे उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत दिया मिर्जा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इन्हें जो है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट होगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP की राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत दिया मिर्जा और पर्यावरण कार्यकर्ता श्री अफरोज शाह को जुलाई 2022 में सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक, ध्यान रखेंगे 2022 में ये अवार्ड दिया गया है और 2021 के लिए जो है इस अवार्ड को दिया गया, ये बात ध्यान रखेंगे आप। ठीक, किसे दिया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP की राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत जो है दिया मिर्जा और पर्यावरण कार्यकर्ता है श्री अफरोज शाह, तो इन दो व्यक्तियों को जो है क्या दिया गया है, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 के लिए। उन्हें पर्यावरण स्थिरता में उनकी सराहनीय और उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने जो है ये पुरस्कार प्रदान किया है। दोस्तों ये जो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो दोस्तों हारमनी जो फाउंडेशन है ये सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स की मेजबानी करता है। ये जो अवार्ड होता है ये शांति, सद्भाव और
सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो व्यक्ति या जो संगठन है वो असाधारण कोई विशेष काम करते हैं तो उन व्यक्तियों को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है 2021 के लिए ये अवार्ड जो है किसे दिया गया, तो नाम ध्यान रखेंगे दिया मिर्जा, जो कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत हैं, और श्री अफरोज शाह जो कि पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। तो दो व्यक्तियों को ये अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने B.R. अंबेडकर से जुड़े कितने स्थलों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित करने की सिफारिश की। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दो स्थानों को। दोस्तों जो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण है NMA, तो इसने जो है B.R. अंबेडकर यानी भीमराव अंबेडकर से जुड़े दो स्थलों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित करने की सिफारिश की है। अब ये जो दो स्थल हैं वो कौन कौन सी हैं, तो देखिए पहला जो स्थल है ये वडोदरा में संकल्प भूमि बरगद का पेड़ परिसर, जहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर ने 1917 में अस्पृश्यता उन्मूलन का संकल्प लिया था। और दूसरा स्थान कौन सा है, तो महाराष्ट्र में सतारा में प्रताप राव भोसले हाई स्कूल, जहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी। तो ये जो दो स्थान हैं, जो स्थल हैं, इन्हें जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित करने की सिफारिश की है किसने, NMA ने यानी राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने। तो ध्यान रखेंगे ये दोनों स्थान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए हैं। दोस्तों डॉक्टर B.R. अंबेडकर जो कि संविधान की रचयिता हैं, जिन्हें जो है भारतीय संविधान का पितामह कहा जाता है। दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर से क्वेश्चन आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि डॉक्टर B.R. अंबेडकर के अनुसार जो है संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आर्टिकल 32। ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार, ठीक है। यहाँ से ये ध्यान रखना है, अगर ये कहा जाए कि डॉक्टर B.R. अंबेडकर के अनुसार, तब आपका आंसर होगा आर्टिकल 32, और अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आपका हो जाएगा प्रस्तावना, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे 17 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये कल के वीडियो का क्वेश्चन है जो आपसे पूछा था कि ICC ODI गेंदबाज रैंकिंग 2022 में नंबर एक रैंकिंग हासिल करने वाला खिलाड़ी कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, जसप्रीत बुमराह, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये रहा आज का क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय T20 इतिहास में लगातार सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाले कप्तान कौन बने, तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो, ताकि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो क्वेश्चन आपको अच्छे से लंबे समय तक याद बना रहे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो समय पर आप पर पहुंचती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।